प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 107वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की भी शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि आज 26 नवंबर को हम कभी भूल नहीं सकते। आज के दिन ही देश पर सबसे जघन्य हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को और पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था, लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जाकर शादियों के बढ़ते प्रचलन रिवाजों पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा, इन दिनों कुछ परिवारों में विदेश में जाकर शादियां करने का वातावरण बनता जा रहा है। क्या ये जरूरी है? भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ ना कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी के बारे में बताएंगे। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर बात रखी, इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच देखा गया। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। ये अभियान रोजगार की गारंटी है। अब तो घर के बच्चे भी दुकानों पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि क्या उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं। इतना ही नहीं, अब सामान खरीदते समय लोग कंट्री ऑफ ऑरिजिन भी देखना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हम सब मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों में सुधार किया गया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक प्रोग्राम मन की बात में संविधान दिवस, आतंक और उसके साथ साथ वोकल फॉर लोकल की बात कही। विदेश में जाकर शादी करने वाले प्रचलन पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन टिप्पणियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए।